कौन माधुरी रे? माधुरी हाय माधुरी हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन हाउ आर यू? आई एम फाइन टू वी गॉट योर ईमेल सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दे कॉल मी राहुल गांधी आई डोंट नो आई थिंक इट इज कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को न्यायपत्र नाम से अपना 46 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें पार्टी ने लोकसभा चुनावों से पहले जनता से कई बड़े वादे किए। घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी ने अधिक से अधिक लोगों से फीडबैक देने की अपील की थी। कांग्रेस ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें राहुल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को मिले फीडबैक के बारे में बता रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी बताते हैं कि उन्हें घोषणा पत्र को लेकर हजारों ईमेल और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों कमेंट आए। नमस्कार, कुछ दिन पहले हमने आपको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताया जो हमारे 5 कोर वायदे हैं उनके बारे में बताया और आपसे सुझाव मांगे। अब आपने इतने सुझाव भेजे, ये मेरी जो टीम है ये पूरी ओवरवेलम हो गई है। काफ़ी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए अलग अलग चीज़ों के बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 लोगों को फ़ोन करके उनसे पूछें, थोड़ा जो उन्होंने सुझाव दिया उसके बारे में उनसे थोड़ी बात करें। वीडियो में राहुल गांधी माधुरी नाम की महिला से फ़ोन पर बात भी करते हैं जिसने कांग्रेस को एक लंबा ईमेल लिखकर अपना सुझाव दिया था। पहले राहुल गांधी माधुरी का ईमेल पढ़ते हैं। माधुरी इज राइटिंग, आई एम माधुरी वर्किंग एज एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल। I have been trying to reach you and finally could connect with you. As a middle class working woman, I think it's important that you should also work on taxes. फिर माधुरी को फोन करते हैं। कौन माधुरी ने? माधुरी। She's probably driving to work. Hello. From all sides. So one second, Madhuri is on the phone. Giving money to the youth for free is very dangerous for long term. Please think and consider this. India has a great potential to surpass all. Hi, Madhuri. Hi, how are you? I'm fine, how are you? I'm fine too. We got your email, so tell me a little bit about... Is it really you that I'm talking to? They call me Rahul Gandhi, I don't know. I think it is. What do you think to talk to you? Would you like to call us on FaceTime so that you can be sure that it's me? Okay, you just got up. So what's your... If there was one suggestion that you would want to give us for our manifesto, what would it be? Like if there's one thing we could focus on, you know, you said think about taxes. Is there a suggestion that you have? Taxes is the one thing. Second thing is you really need to work on, you know, like this kind of thing. The banks, which what they are doing currently, what they are doing is ki agar A bounce ho gaya, suppose. So the lender bank is also debiting us. The bank where we are having a saving account, where it was off, they are also depleting us. It is becoming, you know, a very costly affair for all of us. माधुरी ने अपने ईमेल में टैक्स को लेकर सुझाव दिया था। वहीं फोन पर बातचीत के दौरान माधुरी ने बैंकिंग और शिक्षा लागत का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने माधुरी से उनके परिवार के बारे में पूछा और पता चला कि उनका बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है, AI इंजीनियरिंग में रुचि रखता है। राहुल गांधी ने कहा, AI पर मेरी एक रोमांचक जूम बातचीत है, मैं देखूंगा कि क्या हम उन्हें कभी बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। वीडियो के अंत में राहुल गांधी ने लोगों से सुझाव भेजने की अपील की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सुझाव मांगे और आपने 1-2 दिन में लाखों सुझाव भेजे और सुझाव भेजते रहिए, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है। धन्यवाद। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले हफ्ते यानी 5 अप्रैल को न्यायपत्र नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें MSP की कानूनी गारंटी, हर परिवार के गरीब युवाओं को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए, जाति जनगणना जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, अग्निपथ योजना का खत्म करना जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। महिलाओं के लिए कोटा, LGBTQI के लिए कानूनी मान्यता जैसे कई बड़े वादे भी इस घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं।